तो फिर से नए वीडियो पे स्वागत है दोस्तों। आज हम सीखेंगे इस वीडियो पे कैसे इसी प्रकार का डिजाइन क्रिएट करेंगे फोटोशॉप 7.0 पे। अगर आपको इसके बारे में पहले जानकारी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू करिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। इस तरह फेस सेटअप कर दीजिए, Alt की प्रेस करके थोड़ा सा माउस को इस तरह स्क्रोल कर दीजिए ताकि थोड़ा सा जूम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड लेयर को डबल क्लिक करके अलग कर दीजिए, ओके। देन यू व्यू गाइड इसमें वर्टिकल 50%, ओके। सेम न्यू गाइड एंड हॉरिजॉन्टल 50%, ओके कर दीजिए। फर्स्ट पेन टूल को सिलेक्ट करिए, पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से चेक करिए शेप लेयर होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट में क्लिक करिए, देन इस सेंटर पॉइंट में लेफ्ट क्लिक करिए एंड माउस प्रेस करके इस तरह ड्रैग करने के बाद छोड़ दीजिए। देन ऑल्ट की प्रेस करके इस सेंटर पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करिए, देखिए अभी हट गया। इसके बाद इसमें जो पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है, इसमें जो पॉइंट शो कर रहा है उसमें क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए, देखिए सारे पॉइंट हट गया, ठीक है। कंट्रोल एंटर करिए, देन क्रिएट न्यू लेयर से क्लिक करिए, ठीक है। इसके बाद आप कीबोर्ड से जी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ग्रेडिएंट टूल को सिलेक्ट करिए, ग्रेडिएंट टूल्स, ठीक है। इसमें आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। इसमें दोस्त लीनियर ग्रेडिएंट को सिलेक्ट करना है, इसमें सिलेक्ट कर दीजिए। करने के बाद इस पॉइंट से इस तरह ड्रैग करना है, ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। देन कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डिलीट, डिलीट हो गया। अभी इस शेप को डिलीट करना है, यस इसको भी डिलीट करना है। इसके बाद लेयर वन को अभी डुप्लीकेट क्रिएट करना है, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट क्रिएट कर दीजिए, लेयर वन कॉपी, ओके। देन कंट्रोल टी, यहाँ से देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से ड्रैग करके छोड़ना है, छोड़ दीजिए। देन राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके फिल हॉरिजॉन्टल 50%, ठीक है। इसमें चलिए, अगर आपको डिस्टेंस कुछ स्पेस ऐड करना है तो आप लेफ्ट आरो की प्रेस करके इस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस नहीं ऐड करना तो आप मत करिए, देन एंटर कर दीजिए। कंट्रोल एच करेंगे तो आपको इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। हो गया। अभी इस दोनों को मर्ज करना है, लेयर वन को फिर लेयर वन को एक साथ अटैच करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए लिंक इंडिकेट इफ लेयर इज लिंक, ठीक है। इसके बाद लेयर, लेयर जाने के बाद यहाँ से मर्ज लिंक और कंट्रोल ई आप प्रेस करके भी लिंक कर सकते हैं, देखिए दोनों लेयर एक साथ मर्ज हो गया, ठीक है। देखेंगे तो लेयर वन कॉपी को फिर से डुप्लीकेट क्रिएट करना है, ठीक है। डुप्लीकेट क्रिएट कर दीजिए, कंट्रोल टी प्रेस करके देखिए इस पॉइंट को सेंटर में ड्रैग करके छोड़ना है, ठीक है, छोड़ दीजिए। इसके बाद इस तरह रोटेट करिए,
जितना चाहिए उसी हिसाब से आप रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह रोटेट करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इस पर सेट कर लेता हूँ, एंटर कर दीजिए। देखिए इस तरह मेरा सेट हो गया, ठीक है। देन आपको एक साथ कंट्रोल शिफ्ट आल्ट की प्रेस करके कीबोर्ड में टी को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, इस तरह दबाना है, छोड़ना है। इसी प्रकार का डिजाइन आपको मिल जाएंगे। देखिए इस प्रकार का डिजाइन आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल एच करेंगे तो, सॉरी, कंट्रोल एच करेंगे तो गाइड हट जाएंगे। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे फिर गाइड शो हो जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर को भी चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। हेयर स्टाइल इसमें ग्रेडियंट ओवरऑल को सिलेक्ट करिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें यहाँ से रेडियल, ठीक है, रेडियल को सिलेक्ट कर दीजिए। बाद आपको इसमें इसको सिलेक्ट करना है, इसी हिसाब से आप ड्रैग कर दीजिए इसमें चाहिए। देखिए इस प्रकार डिजाइन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन ओके कर दीजिए, ओके हो गया, ठीक है। अभी सारे लेयर को हाइड कर दीजिए। एक लेयर को छोड़िए, सारे लेयर को हाइड कर दीजिए, ठीक है, हो गया। इसमें देखिए जंप टू इमेज रेडी कंट्रोल माइनस शिफ्ट माइनस एम शो कर रहा है, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक शो कर रहा है, इसमें सारे लेयर हाइड हो चुका है। अभी क्या करना है, इसमें एक लेयर ऑलरेडी एनिमेशन बन चुका है, इसमें आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है, फिर एक शो करना है। इसी प्रकार सारे लेयर को डुप्लीकेट करके शो करिए, डुप्लीकेट क्रिएट करके लेयर को शो करना है। अभी सारे लेयर मैंने शो कर चुका है। देन आप इसमें क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करके, इसमें बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है, तो शिफ्ट की प्रेस करके लास्ट से एंड तक सिलेक्ट करना है। सारे लेयर को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें 0 सेकंड शो कर रहा है, आप इसमें सेट कर सकते हैं जो भी टाइमिंग आपको चाहिए। सपोज यहाँ से 1 सेकंड में करता हूँ, ठीक है, इसके बाद प्ले करता हूँ। देखिए दोस्त आपको इस प्रकार का डिजाइनिंग मिल जाएंगे। अगर दोस्त आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट मेल लेकर आऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्त, आज के लिए उतना ही, फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे।